और दोस्तों मीत सीरियल का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मीत अलावत और मीत हुड्डा का बेटा यानी मोहन इस समय मीत हुड्डा के गले लगता हुआ नजर आने वाला है और वो डरा हुआ है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि अब कहानी में नया दिलचस्प ट्विस्ट आता हुआ नजर आएगा, जब वाकई में मीत हुड्डा को ऐसी फीलिंग आएगी कि हाँ जैसे मेरा खुद का बेटा लौट आया है, लेकिन उसे पता नहीं है कि ये वाकई में खुद का ही बेटा है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस समय सभी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की स्थिति में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मीत हुड्डा की जो बेटी है उसका ही ये बल्कि दोस्त के तौर पर बन चुका है। अब आप लोग जानते ही हैं कि सभी लोग पूजा पाठ में गए हुए हैं और मीत हुड्डा और मनमीत पहलवान इस समय उस पूजा में जाएंगे, लेकिन जाएंगे किसी और के साथ नहीं बल्कि इसे भी साथ ले जाएंगे, मोहन को भी यानी अपने बेटे को। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ जल्दी ही, हालांकि ये भी पता लगेगा डीएनए टेस्ट जब बाद में चेक होगा, क्योंकि मीत हुड्डा को फीलिंग आने लगी है, उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे वाकई में वो उसी का बेटा हो। क्योंकि दोस्तों अनाथ आश्रम में इस समय बहुत कुछ कहानी देखने को मिली है और अनाथ आश्रम के पर्पस से अब आप लोग देख पाएंगे कि जब डीएनए टेस्ट की जांच होगी उसके बाद में पूर्ण रूप से पता चलेगा कि हाँ ये वाकई में कोई और नहीं है बल्कि ये तो खुद अपना ही पुत्र है। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही कहानी एक नया दिलचस्प मोड़ ला चुकी है, जहाँ पर आप लोग जानते हैं कि मीत हुड्डा की बात की जाए तो मीत हुड्डा थोड़ा टेंशन में ज़रूर है और टेंशन की बजाय भी उसकी साफ साफ खुलती हुई नज़र आने वाली है, क्योंकि टेंशन की बजाय आप लोग जानते ही होंगे कि इस समय सभी लोग थोड़ी कन्फ्यूजन की कसमकस की स्थिति में बने हुए हैं। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी में आने वाले एपिसोड में काफ़ी बड़ा ट्विस्ट आता हुआ नज़र आने वाला है, उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए गाइज आपको मेरी वीडियो आखिर कैसे लगे।